अक्सर मुझे लोग पूछा करते हैं कि मुझे मेरा ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, तो मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूं, और ये सवाल ये है कि आपको हर महीने कितने न्यू कस्टमर मिलते हैं। किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। एक जरूरी चीज़ ये है कि आपके पास जो भी कस्टमर है उसको आप मेंटेन करके रखो, उनके पास रिलेशन बना के रखो, कि वो जो कस्टमर एक बार आपके पास आ गया उसके साथ ऐसा रिलेशन बना दो कि वो कभी भी ज्वेलरी की बात आए तो आपके अलावा उसको दूसरे किसी का दिमाग में नाम ही ना आए। और दूसरी चीज़ है कि आपको न्यू कस्टमर हर मंथ आपको फाइंड करते रहना पड़ेगा। अगर आप न्यू कस्टमर हर मंथ फाइंड करते रहोगे तो आपका बिजनेस है वो स्काई रॉकेट करेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 टिप्स बाय विच यू कैन गेट न्यू कस्टमर एवरी डे एवरी मंथ। आप हर दिन हर महीने न्यू कस्टमर आपको मिलेंगे और ये बहुत ही पावरफुल टिप्स हैं। सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लगेगी, आपको ये भी लगेगा कि नहीं ये तो सब मुझे पता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये वीडियो के बाद आपका शायद से पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि सिंपल चीज होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसका हम पावर समझते नहीं है। तो ये बहुत ही पावरफुल वीडियो रहने वाला है। प्लीज हैव पेन एंड पेपर विथ यू, और जो भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ उसको नोट डाउन कर दीजिए और उसको अप्लाई कीजिए आपकी लाइफ के अंदर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतिश मोदी। आई एम अ वुमन एम्पावरमेंट कोच। आई एम ऑन मिशन टू हेल्प 10 लाख लेडीज टू बी इंडिपेंडेंट बाय लर्निंग हैंडमेड ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस। हर वीक हम फ्री मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप 60 डेज के अंदर आपका खुद का सक्सेसफुल ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसके ऊपर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं 5 टिप्स टू गेट न्यू कस्टमर्स। तो आज ही मैंने एक पोस्ट किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर दीजिए, विश्वा पी मोदी से आप फॉलो कर सकते हो। और ये आज ही पोस्ट डाला हुआ है 5 टिप्स टू गेट न्यू कस्टमर फॉर योर ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस। सो टिप नंबर 1, गेट इन्वॉल्व इन योर लोकल कम्युनिटी। आपके आजू बाजू की जो भी कम्युनिटी है उसके साथ इन्वॉल्व रहिए। अक्सर ये होता है कि हम बिजनेसमैन होते हैं, कई बार ये भी होता है कि हम इंट्रोवर्ट नेचर से होते हैं तो हमें ये आदत नहीं होती हम बाहर सबसे मिले जुले, और ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कम्युनिटी का मतलब क्या है। कम्युनिटी का मतलब ये है आप जो सोसाइटी में रहते हो, आप जो सोसाइटी में आपकी जो सोसाइटी सपोज करो पटेल है, मोदी है, मैं मोदी हूँ तो मेरी मोदी कम्युनिटी है, या फिर आप सपोज करो जॉब करते हो या फिर आप कहीं पे भी शाम को जाते हो, तो आपके आजूबाजू की जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे आप इन्वॉल्व होइए, वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ पे अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो बस वहाँ पे ऐसे ही कोई लोग आपको पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो वो टाइम पे आप बता सकते हो कि ये मैं ज्वेलरी बनाती हूँ, ये है वो है। अगर आप किसी को कहोगे नहीं कि आप क्या करते हो तो उनको पता नहीं चलेगा कि आप क्या करोगे, वो आपसे परचेस नहीं करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, आप हो आपके बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हो, तो आपको उसी तरीके से पेश आना है कि सब जगह पे दिखना चाहिए कि नहीं आपका खुद का ज्वेलरी का बिजनेस है, और वहां से आपको बहुत कुछ बिजनेस मिलेगा। और जस्ट वर्ड्स ऑफ माउथ से पब्लिसिटी बहुत कुछ मिलती है। तो हमें हमारा जो भी बिजनेस है वो प्रमोट करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रहना है कि हमें हर जगह पे जाके बोलना नहीं है कि मेरा ये बिजनेस मेरा ये बिजनेस, ऐसा नहीं बोलना है। हमें अगर कोई पूछता है तो बोल सकते हो, अगर आपको कोई पूछता है आप आपका खुद का इंट्रोडक्शन देते हो तब आप बोल सकते हो, और ये बहुत ही पावरफुल रहता है। बिकॉज यहाँ पे हम कोई भी सेलिंग नहीं कर रहे, हमारा सेलिंग का कोई भी इंटेंशन नहीं है, हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, और जब ऐसा आप करते हो तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आप कुछ भी कितना भी जल्दी बनाते हो लेकिन आप कभी भी किसी को भी सेलिंग के पीछे मत पड़ जाइए। अगर आप सेलिंग के पीछे पड़ोगे तो वो आपसे दूर भागेगा। तो आपका काम यही है कि वहां पे उनको इन्फॉर्म करना कि मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ, आप आपका काम दिखा सकते हो, मोबाइल में दिखा सकते हो। तो ऐसा करके आप आपकी कम्युनिटी में एक्टिव रहिए, लोग धीमे धीमे जानेंगे आपके बारे में, और जब भी उनको ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो खुद परचेस करेंगे या तो किसी को रिकमेंड करेंगे कि आपके पास वो शॉपिंग करें। लेकिन इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कम्युनिटी के जो भी फंक्शन होते हैं वहां पे आप हिस्सा लीजिए, एक्टिव रहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि आपके अंदर एंथुसियाज्म भर भर के पड़ा हुआ है एंड यू आर अ वेरी गुड पर्सन। अच्छा बिजनेस करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और अच्छा इंसान वो है कि जो सबको खुशी दे। सो टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लोकल कम्युनिटी। सेकंड रीजन ये है, गिफ्ट ज्वेलरी टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो नॉर्मली ये होता है कि हम सभी लोग ज्वेलरी जब बनाते हैं तो हमें बहुत ही एक्साइटेड होता है कि मुझे ज्वेलरी सेल करनी है, ज्वेलरी सेल करनी है। लेकिन आपने नया नया काम किया है, लोग आपको जानते नहीं, लोगों को ये नहीं पता कि आपका काम कैसा है, तो ये टाइम पे ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि नए नए कस्टमर मिलना, लोग आप पे भरोसा जल्दी नहीं करते, और ये समझने वाली बात है और मैं उससे एग्री भी करता हूँ। तो यहाँ पे आपका फोकस क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका फोकस ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग की 10, 20, 50 ज्वेलरी आप लो कॉस्ट ज्वेलरी बनाइए। और यहाँ पे आपका आइडिया ये होना चाहिए कि आपको एक लिस्ट बना देना है,
कौन से आपके फ्रेंड है, कौन से आपके रिलेटिव है, कौन से आपके नेबर है, कौन से आपके कलीग्स है, कि जो आपके क्लोज है, कि जो आपको हर एक चीज में सपोर्ट कर दे, तो आपको वो ज्वेलरी बनानी है और वो ज्वेलरी आपको उनको गिफ्ट कर देनी है। यस, गिफ्ट कर देनी उनको। जब आप उनको गिफ्ट करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनके चेहरे पे बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाएगी और वो आपके फैन बन जाएंगे, आपके काम के भी फैन बन जाएंगे। और कहीं पर भी वो जाएंगे, कोई भी उनको पूछेगा कि आपने कहाँ से लिया, तो प्राउड से कहेंगे कि नहीं मैंने उनसे लिया है। और यहाँ से आपका फ्री में मार्केटिंग हो रहा है, फ्री में मार्केटिंग हो रहा है, और आपको वहाँ से बहुत सारे ऑर्डर मिल सकते हैं। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये काम किया हुआ, मैंने उनको कहा था आप गिफ्ट कीजिए, उन्होंने गिफ्ट किया और उसके बाद थोड़े दिनों में उनको बहुत सारे ऑर्डर मिले। सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ द गिफ्टिंग। जब आप किसी को गिफ्ट करते हो तब आपकी वैल्यू बढ़ती है, नहीं कि आपकी वैल्यू कम होती है। देने से देने वाले की वैल्यू बढ़ती है। सो गिफ्ट ज्वेलरी टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पॉइंट नंबर 3, हैव अ प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। अभी के टाइम के अंदर आप सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो मुझे बताते हैं कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती, मुझे पता नहीं है। तो मैं उनको सिंपली एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते हो उसका मतलब है आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो तो लोग आपसे परचेज ही नहीं करेंगे। तो अभी के टाइम के अंदर सोशल मीडिया पे होना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे अब तक 1500 स्टूडेंट हो चुके हैं, लास्ट 1.5 साल के अंदर 1500 स्टूडेंट ने हमारा ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। और ये सभी लोग जो उससे भी हम कनेक्ट हुए वो सब यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से ही हमें हमारे साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है। तो अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते हो, अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये 4 जीरो का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे से आप बहुत सारा सेल गंवा रहे हो। कई लोग मुझे पूछते हैं मुझे आता नहीं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखो आप सीख सकते हो। हम इंसानों की एक ही बहुत ही बड़ी खासियत है कि हमें जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ हम सीख सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि नहीं आपको आता है, तो प्लीज़ थोड़ा अपने आप को लिटिल पुश कीजिए, थोड़े कम्फर्ट जोन के बाहर निकलिए और सोशल मीडिया का जो भी है उससे सीखिए। और वहाँ से आपको इतना सेलिंग मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं मेरे स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि अमेजोन फ्लिपकार्ट मत सेल करो, डायरेक्टली सोशल मीडिया पे ही सेल करो। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सेल करते हो तो आपके पास डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है आपके कस्टमर का। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट सेल कर रहे हो तो आपके पास कस्टमर का कोई भी डेटा नहीं रहेगा, वो सब डेटा अमेजोन फ्लिपकार्ट के पास ही रहेगा। तो अगर आपके पास कस्टमर का डेटा है, सपोज करो कि आपने आज से शुरुआत की है, आज आपको एक कस्टमर मिला, कल दूसरा मिला, परसों तीसरा मिला, ऐसे करते करते 1 साल 1.5 साल के अंदर आपके पास 500 या 1000 कस्टमर हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो 500 या 1000 कस्टमर है उनके साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशन बना के रखो। उनको कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, खुद का नुकसान हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन उनका नुकसान मत होने दीजिए। अगर आप उतना कर लोगे ना तो वो 500 या 1000 कस्टमर ही आपको इतने ऑर्डर देंगे कि आपको बाहर से नए ऑर्डर आप नहीं लोगे तो भी चलेगा। उससे आपका एक कंसिस्टेंट इनकम आप बिल्ड कर लोगे। सो ये बहुत ही पावरफुल है। हैव अ प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। वहाँ पे अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट कीजिए, जैसे हमने हमारी वैल्यू क्रिएट की है। तो जैसे आप हमसे कनेक्ट हो रहे हो वैसे ही आपके फ्यूचर कस्टमर है वो भी आपसे कनेक्ट होंगे। सो इट शुड बी नॉट मिस्ड, इट मस्ट नॉट बी मिस्ड। आपको कंपलसरी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ही है। देन पॉइंट नंबर 4 इज ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन एट योर होम। अभी के टाइम के अंदर ये प्रिफर्ड नहीं है कि आप जा रहे हो बाहर और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो आप ये कर सकते हो, आपके घर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक छोटा सा एग्जीबिशन, और आपके जो भी पड़ोस में है या किसी जो भी आजू बाजू में उनको आप इन्वाइट कर सकते हो कि मैंने एग्जीबिशन कंडक्ट किया हुआ है और वहाँ पे आप सभी के लिए एक छोटी सी फ्री गिफ्ट भी है। तो प्लीज आइए, आप उनको बुलाइए, आपका काम दिखाइए और वो वहाँ पे आएंगे, आपका काम देखेंगे और वो आपसे डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाएंगे। और बाद में कहीं ना कहीं बताऊँ वो फ्री में आपकी मार्केटिंग करेंगे। इवन तो उन्होंने आपसे परचेस नहीं किया, डोंट वरी। अगर आप एग्जीबिशन कर रहे हो कोई परचेस नहीं कर रहा है, डोंट वरी, आपकी मेहनत बेकार नहीं हुई है, क्योंकि आपका जो काम है उनकी नज़र में आया और वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आपको रिकमेंडेशन देंगे और आपको वहाँ से न्यू ऑर्डर डेफिनेटली मिलेंगे। बस एक ही चीज़ की जरूरत है और वो है पेशेंस। देन 5th इज गिव डिस्काउंट टू द फर्स्ट टाइम बायर्स। या जो भी पहली बार है ले रहा है आपसे उनको डिस्काउंट दीजिए। आपको शायद से याद होगा कि आप जब भी स्विगी या जोमेटो पे लेते थे तो अब पहला ऑर्डर जब भी आपका होता था तो वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलता था और वो पहले बार के लिए होता था। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कोई भी आपसे इंक्वायरी कर रहा है तो आप उनको सब डिटेल प्रोवाइड कीजिए और आप उनको लिख के भेजिए कि आप पहली बार मुझसे परचेस करने जाने वाले, इसलिए मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट देने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे आप उनको ये कह रहे हो कि स्पेशल डिस्काउंट बोल के आप उनको स्पेशल फील करवा रहे हो, और सबको स्पेशल फील करना अच्छा ही लगता है।
और जब आप उनको स्पेशल फील करवाओगे दैट मीन्स यू हैव वॉन देम, आपने उनको जीत लिया। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ पे जो भी 5 टिप मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सभी चीज़ है वो इग्नोर हुई हुई है। ये नॉर्मल इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, और मैं डेफिनेटली मानता हूँ, मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल है। प्लीज टाइप पावरफुल इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इसको पावरफुल मानते हो और आपके जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे नीचे शेयर कर सकते हो। इसके साथ मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, हमारा प्री मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारा प्री मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।